शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज हम लॉन्च जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो है ड्रॉपिंग का सेकंड पार्ट, मतलब बार्ड्स जो पॉटी करता है उसका नॉर्मल पॉटी क्या है, एबनॉर्मल पॉटी क्या है, मेरा साइड वाला स्किन पे आएंगे। लेकिन स्किन तो देखिए, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल पॉटी और एबनॉर्मल पॉटी दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। बार्ड्स जब सुस्त रहते हैं, सही रहते हैं, हेल्दी रहते हैं तो नॉर्मल पॉटी करते हैं। नॉर्मल पॉटी क्या है, पिक्चर में शो हो रहा है, मतलब ध्यान लगा के देखिए पिक्चर को, मतलब वीडियो को पॉज करके देखिए तो आप लोगों का समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है नॉर्मल पॉटी के। जैसे ग्रीन के साथ थोड़ा सा वाइट वाला जो चीज़ है, कभी कभी बार्ड्स ये भी करता है वाइट वाला जो पॉटी करता है, जो क्योंकि बार्ड्स थोड़ी सा यूरिन पास नहीं होता है तो उसका जो यूरिक एसिड के जरा नाइट्रोजन को थोड़ा सा क्रीम, मतलब जो इसको वाइट कलर बोलते हैं उसको, अब वो मतलब निकलते हैं बॉडी की तरफ से। तो ये सारे चीज़ के ऊपर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर ये सारे चीज़ आप लोग का समझ में आ जाएगा तो अनेक किचू हमारा बुझते पर पाखिर सम्पर्के, कारण मेन हे मानुष हक जीवजंतु हो पाखि हो उसका जो पॉटी है उसके ऊपर अगर ठीक तरीके से हम लोग पहचान पाए कौन सा पॉटी कैसे या सारी चीज़, तो हमको उसको केयर करने में सुविधा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और, मैं मेरा जो दूसरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु, वहाँ जाइए, वहाँ थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो। उधर बार्ड्स रिलेटेड कैसे आपका बार्ड्स ब्रीडिंग सेटअप को जो जो नया नया हो कैसे आगे बढ़ा सकते हो, कैसे उसको डेवलप कैसे कर सकते हो, कैसे उससे मतलब आन करके बार्ड्स को भी चला सकते हो, खुद को भी चला सकते हो, ये जानकारी उधर हम प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ फ्रेंड्स, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, जो जो इस चैनल पे जो जो सब्सक्राइबर है, हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर भी है जो नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं भी एक यूट्यूब, क्योंकि मेरा जो दूसरा बैकग्राउंड से ही, मतलब फर्स्ट जो बैकग्राउंड है, मैं एक जन मतलब डिजिटल मार्केटिंग एंड मतलब डिज़ाइन के ऊपर हम काम करते हैं, इसीलिए जो नॉलेज है वही हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो चैनल में, जो अदर्स चैनल में नहीं है वो हम इस चैनल पे बोलेंगे। अगर कोई नया यूट्यूबर हो, यूट्यूब चैनल में ग्रो करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, तो कैसे शुरुआत से शुरू करेंगे, हम उधर शुरू कर चुके हैं, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ हफ्ता में हम 2 या 3 वीडियो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो बात को हम लोग आज का जो सब्जेक्ट है आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम जो खाना खिलाते हैं बार्ड्स को उसी से निर्भर करता है उसका नॉर्मल पॉटी होगा या एबनॉर्मल। एबनॉर्मल पॉटी बहुत तरीके से हो सकता है। अगर हम स्किन पे जो देख रहे हो, इतने सारे एबनॉर्मल पॉटी हो रहा है होता है। जैसे मान लीजिए बार्ड्स थोड़ा सा, मतलब कोई ऐसे खाना खा लिया जिससे उसको बैक्टीरिया हो गया या फंगल हो गया, उसका एक पॉटी बनेगा, मतलब वो जब पॉटी करेंगे उसका इन्फेक्शन वाला जो पॉटी होगा वो अलग होगा। कभी के क्या होता है, केज पे थोड़ा सा वो जो जंग पड़ जाते हैं वो भी थोड़ा सा बार्ड्स अगर खा ले, उससे भी जिंक पॉइजनिंग होता है, उससे भी पॉटी चेंज होता है। कभी कभी लीवर का प्रॉब्लम आता है, तो कभी कभी किडनी का भी प्रॉब्लम आता है। लीवर का प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि ये जो वेदर चल रहा है अभी, वेदर का जो स्टेबल नहीं है, वेदर बहुत ही फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इसी टाइम पे हर सप्ताह में 2 या 3 बार लीवर का मेडिसिन ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, कोई भी बार्ड्स हो। हाँ, डोजेस अलग अलग होगा वो अलग बात है, लेकिन प्रोवाइड ज़रूर कीजिए। अगर मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका जो वो जो है पपैया जिसको बंगाली में पेपे बोलते हैं, कांचा पेपे, वो भी आप बार्ड्स को प्रोवाइड करने से उसका जो लीवर का जो फंक्शन है वो सही रहेगा। या पपैया को पानी में थोड़ा सा उबाल के भी आप ठंडा करके उस बार्ड्स को पिला सकते हो, उसमें से वो मतलब उसका लीवर फंक्शन सही रहेगा और उसमें हजमा जिसको बोलते हैं, डाइजेशन जिसको बोलते हैं, हजम बंगाली में जिसको बोलते हैं, वो भी सही रहेगा। कभी कभी आप पुदीना का पत्ता जो है उसको उबाल के, कभी कभी अजवाइन का जो दाना है उसको पानी में डाल के उबाल के ये भी पानी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि वेदर्स मतलब विंटर में ज़्यादा ये सारे चीज़ प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गर्मी में और रेनी सीजन में, इसीलिए
हफ्ता में 2 या 3 बार लीवर के साथ साथ डाइजेशन का भी मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, या मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करना चाहते हो तो नेचुरल जो तरीका है वो प्रोवाइड कीजिए, तभी आपका लीवर, बर्ड्स का लीवर सही रहेगा तो उसको हजम सही रहेगा, हजम सही रहेगा जो खाना वो खाएगा, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो खाना हजम होगा तो बर्ड आपका तंदुरुस्त रहेंगे, सही रहेंगे, सुस्त रहेंगे, चाहे वो बेबी बर्ड हो, चाहे वो एडल्ट बर्ड हो या सेमी एडल्ट बर्ड हो। किडनी का प्रॉब्लम क्यों आता है? बर्ड्स अगर पानी कम खाते हैं हर रोज़, उसको चाहे बर्ड की उप कैटेगोरी के ऊपर निर्भर करते हैं, आपके पास कौन सा बर्ड है उसके हिसाब से उसको जितना पानी इंटेक करना है, खाना है, पीना है, तो अगर कम पिए तो आहिस्ता आहिस्ता उस किडनी में इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, अपना जो पानी का पॉट है हमेशा से बदल बदल के दीजिए, और थोड़ा सा जैसे हमने बोला था थोड़ा सा कलरफुल पानी, हम लोगों का एक ही मकसद है बर्ड्स उसका जो नीड है पानी का वो ज़रूर हर दिन पूरा करें, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जीवन में किडनी का प्रॉब्लम आएगा। किडनी का प्रॉब्लम आने से कैसे पॉटी है वो भी डिस्प्ले में आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे जो चीज़ है, इस सारे चीज़ के साथ साथ और जो मेजर जो पार्ट है, कैसे खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अभी जो इन मतलब रेनी और समर सीजन में कितने देर तक खाना को हम लोग रखते हैं केज में, या केज कितना अपरिष्कार है, ये सारे चीज़ के ऊपर आपका पूरा निर्भर करता है बर्ड्स का हेल्थ। देखिए खाना से पिला खिलाने से सही खाना, बहुत लोगों ने जो फ़ोन से हम बात करते हैं खाना सही देते हैं, खाने में कोई कमती नहीं देते, लेकिन क्या होता है बहुत सारे उससे भी ज़्यादा बहुत जो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट जो है वो ये है, अब खाना जिस पॉट में दे रहे हो, चाहे वो स्टील का पॉट हो या प्लास्टिक का पॉट हो या कांच का पॉट हो या पत्थर का पॉट हो, हमेशा से धो कर दीजिए या उसको सैनिटाइज करके दीजिए इस काल में। और ठंडा में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, बैक्टीरियल एंड वायरल का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसीलिए फिर भी ये हम ये नहीं बोल रहे हैं जो विंटर में परिष्कार करके दीजिए और समर या रेनी सीजन में परिष्कार करके, नहीं, हर साल पूरा साल ही परिष्कार रखेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा कुछ नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए साफ वाला पॉट में प्रोवाइड कीजिए, बाज़ार से आप सब्जी जो वेजिटेबल्स खरीद के ला रहे हो या चाहे उसका सीड्स हो या वेजिटेबल्स हो, पानी में धो के वेजिटेबल्स को धो के फिर प्रोवाइड कीजिए, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो या साग पत्ता हो, ये हमेशा धो के प्रोवाइड कीजिए। दूसरी बात ये है दाना जो सीड्स बोलते हैं उसको भी अगर जिसके प्लास, हम क्या करते हैं मार्केट से ले आने के बाद उसको पानी से प्लेन पानी से धोकर उसके भीतर से जो मैल जो डाटी होता है वो निकल जाते हैं, फिर उसको, मेरा घर में सनलाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सा गुनगुना जो गैस को ओवन में थोड़ा सा उसको गर्म करके फिर सीड मिक्स बना के हम रख देते हैं। तो कभी कभी जब सनलाइट मिलता है तो दाना को पूरा जो पॉट में रखा है प्रोवाइड, मतलब हम सनलाइट में थोड़ा सा उसको सेक लेते हैं, इसमें क्या होता है उसमें भीतर जो डाटी चीज़ है जो पॉइजन है वो निकल जाते हैं, जिसका सुविधा हो वो रोद में भी सुखा के आप दे सकते हो पानी में धो के, ये सारी चीज़ करने में आपका ही बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए हालांकि शरीर है तो बीमारी आएगा, लेकिन ऐसे बीमारी नहीं आएगा जो हमारा बर्ड्स एक्सपायर कर जाए, जो बर्ड्स का जो बीमारी हो जो कमने का या रिकवरी होने का नाम नहीं ले रहे, बहुत सारे मेडिसिन प्रयोग हो गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और एक होता है पैरासाइट वाला, ये जो अभी बोला है ना केज अपरिष्कार रहने से पैरासाइट वाला जो इफ़ेक्ट होता है, पैरासाइट का बहुत सारा मसला है, बहुत सारे पैरासाइट होता है जो पेट में बास करते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट एयर में भी होता है, कुछ पैरासाइट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बहुत लोग करते हैं सुबह पानी दिया शाम को पानी को चेंज कर रहे, ऐसे मत कीजिए। समर और रेनी सीजन में 2 या 2.5 घंटे के बाद पानी को बदल बदल के दीजिए, ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो खाना आप खिला रहे हो जैसे सॉफ्ट फूड, अब बहुत बार दो, मतलब 2 बार 3 बार दो, लेकिन बदल बदल के दो, 1 पॉट सॉफ्ट फूड इतना परिमाण दो जैसे वो बार्स 2 या 2.5 घंटे से खा ले, फिर जितना रहेगा फेंक दो, फेंक दीजिए एकदम, उसमें ज़्यादा टाइम मत रखिए। आप हम लोग से क्या सोचेंगे इतना वेस्टेज होगा, वेस्टेज से ज़्यादा तो बर्ड्स बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वेस्टेज होने दीजिए। अगर कम खाना दीजिए फिर बारीकी से दीजिए, बार बार उसको खाना प्रोवाइड कीजिए, इसमें कोई गलत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम मत रखिए केज में इसी टाइम पे,
क्योंकि इधर मॉइस्चर बहुत ही है, इसलिए सड़ सकते हैं नहीं, सड़ेगा ही सड़ेगा, क्योंकि जिस मतलब खाने में जा वो वाटर कंटेंट ज़्यादा रहते हैं, वो खाना ज़्यादातर बाहर रहने से, एयर में रहने से वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होता है, वायरल भी फॉर्म होता है, फंगल भी फॉर्म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सड़ने लगते हैं। वो सड़ा हुआ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर बर्ड्स खाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता बीमारी या पॉटी का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया या पैरासाइट बोलते हैं। उसका प्रॉब्लम, उसका पॉटी का जो मतलब फॉर्मेशन है या इसका उसका टेक्सचर है, टेक्सचर का मतलब हम बोल रहे हैं कलर जो है, अब डिस्प्ले में देख लीजिए नॉर्मल पॉटी का एबनॉर्मल पॉटी का फ़र्क आप लोगों को महसूस हो जाएंगे, मतलब फ़र्क मतलब जान जाएंगे। ये जानने के लिए देखिए, ये इतना हम जोर इसलिए दे रहे, पॉटी अगर आप लोग पहचान जाओ, चाहे वो बिगिनर हो या चाहे वो एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो, क्योंकि देखिए बर्ड्स एक समुंदर है, कोई भी बर्ड, जैसे हमने बोला था अगर फिंच के बारे में जानना हो, कोई भी फिंच छोड़ दो, जेब्रा फिंच को पकड़ लो, तो उसके लिए पूरा जानने के लिए अपना 10-12 साल लगेगा, पूरा उसका पूरा कैरेक्टर, उसका लाइफस्टाइल, उसका खाना पीना बॉडी मतलब भूखा फूका सब कुछ जानने के लिए इतना। तो ये बर्ड्स हम लोग जो सोचते हैं, जो ब्रीडर सोचते हैं जो हम बहुत कुछ जानते हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जितना आप प्रैक्टिकल करोगे, जितना आप बर्ड्स के साथ मिलोगे जुलोगे, उसका साथ बॉन्डिंग होगा, आपको अलाउ करेंगे, फिर उसका आपका कैरेक्टर हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे उसका क्या मसला हो, क्या क्या है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, सब कुछ आपको पता लगने लगेगा। जैसे मैं खुद करता हूँ, हर रोज़ खाना देने के बाद दूर से, या जो बर्ड्स के साथ मेरा बॉन्डिंग हो चुका है, और ऐसे बॉन्डिंग मतलब ऐसे समझ लिए एक बार, हम झूठ नहीं बोल रहे, इधर बैठ के मेटिंग कर रहे हैं हम, इधर सिर्फ इधर उसका बॉडी में भी टच लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है मेरे हाथ में, मतलब हाथे टच लो लगते, किंतु बाकी उठ से ना मेटिंग करे जाते, इतना बॉन्डिंग है उन लोगों के साथ। तो ये एक दिन में नहीं होगा फ्रेंड्स, ये साल डेढ़ साल दो साल में होगा, क्योंकि बर्ड्स अगर आपके पास से उसका डर चला जाए जो ना, ये कोई नुकसान नहीं करेंगे, इसको हम भरोसा कर सकते हैं, ये हर रोज़ हमको खाना देते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो इनर फ्रिक्वेंसी होता है ना, अब मुख से नहीं अंदर से जो एनर्जी होता है उसके साथ अगर मीट हो गया मतलब मिल गया, तो उसके साथ बॉन्डिंग एक क्रिएट होता है। बॉन्ड देखिए, चाहे ह्यूमन हो या बर्ड्स हो या एनिमल हो, बॉन्डिंग भीतर से होता है, बाहर से नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग जो होता है, जो एनर्जी है वो भीतर से आता है, चाहे वो बर्ड्स के बर्ड्स से मेरे तरफ या हम लोग मतलब हम लोगों तरफ से बर्ड्स के तरफ, कोई भी जाए अंदर से होता है, कितना हम उन लोगों को चाहते हैं। तो इसीलिए बॉन्डिंग बनाने से आपका उसका हेल्दी रखने में, केयर करने में सब कुछ सुविधा होगा, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बर्ड्स का पॉटी को समझिए। और एक होता है जो डायरिया हो जाता है या डिहाइड्रेशन का होगा बर्ड्स, अगर इधर पिक्चर नहीं है, बर्ड्स अगर ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, डर में रहेंगे, तो वो वाटर वाला पानी करता है कभी कभी, मतलब पानी का जो सॉरी पॉटी का जो मेन चीज़ है वो थोड़ा सा निकलेगा, ज़्यादा वाटर निकलेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है या स्ट्रेस या डिप्रेशन में है, ये लक्षण है। बर्ड्स आपका डरा हुआ है, उसका एक्सप्रेशन देख के ही हम लोग पहचान जाते हैं बर्ड्स डरा हुआ है या डिप्रेशन में है या सुख शांति में है। और एक चीज़ है, अगर डिहाइड्रेशन होने जाने से क्या पिक्चर देखिए, पिक्चर में देख लिया, फिर बैक करके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो जैसे डिहाइड्रेशन होगा तो पॉटी का कलर, पॉटी का जो रंग है कैसे आएगा, तभी डिहाइड्रेशन के लिए आपको पहले वॉरिस चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम इधर जोड़ना चाहते हैं, सीजन अगर गर्मी में हो या एक चीज़ मतलब रेनी और समर दोनों में, हर वीक में वॉरिस, सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन वॉरिस, उसके साथ साथ हजम का मेडिसिन, उसके साथ साथ लीवर का मेडिसिन हमेशा से उसका पानी का पॉट में या सॉफ्ट फूड में आप प्रोवाइड कीजिए। उसमें क्या होगा, क्योंकि मैं ये मतलब इसमें बिलीव करता हूँ, जो रोग तो आएगा मतलब बर्ड्स का रोग तो आएगा, अगर उस रोग को आने से पहले जो सिचुएशन बनता है उस सिचुएशन को ही हम लोग तोड़ दें तो उस वो स्टेज में नहीं जाएंगे, ठीक है। डायरिया जो होता है बर्ड्स का, जो हम लोग बोलते हैं डायरिया, वो तो पेट का ही एक बैक्टीरिया है,
जो लोग देखते हैं बर्ड्स का जो पूप्स है, जो पॉटी का स्थान है, वहाँ लगे रहते हैं पॉटी, तो स्टिकी हो जाता है, तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता, स्टिकी हो जाता है। इसमें आप मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, हजम का मेडिसिन, लीवर का मेडिसिन, और एक आता है उसको बॉनिसोन बोलते हैं, हिमालय का बॉनिसोन, वो आप प्रोवाइड करने से। और उसके साथ साथ तो देखिए, एंड फिर एक बार बोल रही हूँ, एंटीबायोटिक ज़्यादा मत प्रयोग कीजिए भैया। एंटीबायोटिक का एक स्टेज होता है फ्रेंड्स, हम हर रोज़ सुनते हैं फ़ोन पे, दादा ये हो हुआ, हमने मॉक्स अप्लाई कर दिया, दादा ये हुआ, हमने डेटासाइक्लिन अप्लाई कर लिया, दादा ये हुआ, हमने डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर दिया, दादा ये हुआ, हमने प्लाभोन यूज़ कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, उसका बेसिक ट्रीटमेंट कीजिए पहले, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है, बार्स अगर थोड़ा सा पॉटी कर रहे हो तो टेट्रासाइक्लिन दे दिया, उसमें बार्ड्स का इम्यूनिटी अगर कम होगा तो बार्ड्स अपना ज़्यादा वीक हो जाएगा, ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा पॉटी हो रहा है, थोड़ा सा लिक्विड पॉटी हो रहा है, थोड़ा सा हजम, लीवर और थोड़ा सा न्योमोटिल वाला टैबलेट दीजिए ना, इसमें क्या नुकसान है, अब करके तो देखिए, अगर नहीं होगा तो हमको बोलिएगा, तो हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। ये हम किए हैं, ये हम करते हैं, जिसको जिसको सजेशन दिया है अभी तक उसका अच्छा ही हुआ है, बार्ड्स सुस्त हो गया, टाइम लगेगा, लेकिन एंटीबायोटिक का जो रेस है, जो धक्का है, जो पुश वाला जो चीज़ है शरीर में जाते हुए, तो वो तो उसको तो ठीक करते हैं, लेकिन जो किडनी और लीवर में इफ़ेक्ट होता है, या फुल बॉडी में इफ़ेक्ट होता है, वो बार्ड्स छोटा या बड़ा बार्ड्स संभल नहीं पाते, इसमें और वीक हो जाते हैं। और एंटीबायोटिक कभी भी दीजिए तो उसके बाद प्रोबायोटिक भी दीजिए, और थोड़ा सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कीजिए, क्योंकि पेट में अगर कुछ इन्फेक्शन होता है, अगर हम लोग एंटीबायोटिक को उसको क्योर करते हैं, तो ह्यूमन जैसे उसको भी थोड़ा सा विटामिन का ज़रूरत पड़ते हैं, तो प्रोबायोटिक भी यूज़ कीजिए, और उसके साथ साथ आप बी कॉम्प्लेक्स वाला मेडिसिन भी यूज़ कीजिए। उसमें क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी पावर फिर बढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फ्रेंड्स, डायरिया का जो सेकेंड पार्ट है सब कुछ, और एक चीज़ जो हम खाली रखना छोड़ नहीं, मतलब खाली नहीं रखेंगे, बोल रहे हैं, ये विंटर सॉरी रेनी और समर सीजन में शक पत्ता थोड़ा सा करके दीजिए, जिसका हैबिट है उसको दीजिए, नहीं तो जिसका हैबिट है हैबिट मत करवाइए, क्योंकि शक पत्ता पीने से हम लोगों को भी थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मेंटेन करके दीजिए। सप्ताह में अगर देना चाहते हो तो एक बार दो बार दीजिए, एक बार ही दीजिए, उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, आप सॉफ्ट फूड में जोड़ दीजिए। और एक बहुत लोग पूछते हैं ज़्यादा सॉफ्ट फूड देना चाहिए इस सीज़न में, हर रोज़ सॉफ्ट फूड दीजिए, शॉर्ट फूड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट फूड में प्रॉब्लम होता नहीं है, होता है हम लोग कितने देर केज में रख रहे हैं और पानी कितना बदल रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। आप शॉर्ट फूड प्रोवाइड कीजिए, बार्ड्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, सुख में रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिए, और दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप लोग चाहते हो तो यूट्यूब वाला चैनल भी, और वो मेरा दूसरा जो चैनल है आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु, वो भी, क्योंकि वहाँ हम बार्ड्स के बिजनेस के ऊपर हम टॉपिक डालते रहते हैं। तो आज इतना ही, नमस्कार।